सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को फिर से भारतीय टीम में खेलना चाहिए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम की हार के साथ खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही यह सीरीज अब पूरी तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले को भले ही भारतीय टीम जीत गई हो, लेकिन तीसरे मुकाबले को जीतकर अब यह सीरीज 1-1 की बराबरी से ड्रॉ हुई। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत बेहद ही खराब रही और उसके बाद सारी की सारी टीम 20 ओवर्स में ही 134 रनों के छोटे टोटल पर ही सिमट कर रह गई। इसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान क्विंटन डिकॉक की शानदार पारी के चलते साउथ अफ्रीकी टीम को इस मुकाबले को जीतने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम की गेंदबाजी के दौरान मैदान में एक ऐसा वाक्य भी हुआ था जब कप्तान विराट कोहली से लेकर सभी दर्शकों को जो कि मैदान में मौजूद थे उनको धोनी की याद आ गई थी। आपको बता दें कि पूरा वाक्य पारी के छठे ओवर का। इस समय गेंदबाजी करा रहे थे गेंदबाज दीपक चहर और उस समय स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज हेंड्रिक। ओवर की तीसरी गेंद को दीपक चहर ने काफी ज्यादा बाहर वाइड की तरफ डाल दिया, लेकिन यह गेंद जाकर लगी सीधा हेंड्रिक्स के पैड पर, परंतु मैदानी अंपायर ने इसे वाइड का ही इशारा दिया था। परंतु यहां पर भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ओवर एक्साइटेड होते हुए दिखे। आपको बता दें दोस्तों कि ऋषभ पंत ने एक भारी अपील करके मैदानी अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया, जिसके बाद दीपक चहर ने भी कंफ्यूजन में ऋषभ पंत का ही साथ दिया, लेकिन विराट कोहली उस समय दायरे के बाहर थे। विराट कोहली ने सीधा ऋषभ पंत के पास आकर सबसे पहले यही पूछा कि क्या गेंद बल्ले पर लगी है या फिर नहीं। तो ऋषभ पंत ने विराट कोहली को सीधा DRS रिव्यू लेने के लिए कहा, जिसके बाद विराट कोहली ने भी ऋषभ पंत की ही सुनी। दोस्तों फिर आगे चलकर विराट कोहली ने बड़ी आसानी से ऋषभ पंत की बात मानी और उस पर फिर DRS रिव्यू भी लिया। दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह है कि DRS रिव्यू में पता चला कि गेंद पूरी तरीके से वाइड की तरफ थी। हालांकि गेंद पैड पर जरूर लगी थी, लेकिन विकेट पर तो कोई लगने का चांस नहीं था। इसके बाद फिर मैदानी अंपायर का फैसला अटल रहा और मैदान में विराट कोहली तो खासा गुस्सा होते हुए दिखे। दोस्तों केवल विराट कोहली नहीं बल्कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी भी ऋषभ पंत के इस फैसले के खिलाफ थे। साथ ही मैदान में बैठे दर्शक भी ऋषभ पंत के इस खराब फैसले की निंदा करते हुए दिखे। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इस समय पर सबको धोनी की याद जरूर आई होगी। इसके पीछे सीधा सा सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जब जब धोनी मैदान में DRS रिव्यू लेते हैं तब तब वह बिल्कुल सही साबित होता है। महेंद्र सिंह धोनी को ऐसे ही नहीं विश्व का नंबर 1 विकेटकीपर बल्लेबाज व DRS रिव्यू लेने में बादशाह माना जाता है, क्योंकि अब धोनी टीम का हिस्सा नहीं है। तो फिर कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने भी ऋषभ पंत को कहीं ना कहीं इस बात की सलाह दे डाली कि उन्हें धोनी से अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। और दोस्तों यह सच ही तो है, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतना खराब DRS रिव्यू लेकर सबको बता दिया कि वह धोनी की बराबरी तो फिलहाल नहीं कर सकते। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, जब बात ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की आती है तो दोनों में से कौन एक बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।